नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। हरदोई जनवरी 2022 जनपद हरदोई के ताशखेड़ा गांव के पास स्थित राइस मिल के मालिक ने 4 साझेदारों पर 7.50 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। राइस मिल के मालिक की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर के आवास विकास कॉलोनी निवासी सुशील कुमार गुप्ता कोतवाली शहर में प्रार्थना पत्र दिया है कि इसमें उन्होंने बताया कि बिलग्राम मार्ग पर ताशखेड़ा गाँव के पास सीताराम राइस मिल इंडस्ट्री के नाम से उनकी राइस मिल है। राइस मिल में मोहल्ले के श्रवण कुमार गुप्ता, नीरज कुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता और किशन गुप्ता हिस्सेदार हैं। सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी फार्म का अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की शाखा रेलवे गंज में है, जिसकी क्रेडिट सीमा 2,60,00,000 रुपए है। उसी क्रेडिट के अनुसार लेन देन होता है। सुशील कुमार गुप्ता के अनुसार वर्ष 2017 में उनकी तबीयत खराब होने के कारण लखनऊ के एक अस्पताल में उपचार के लिए गए थे। हालत में सुधार होने के बाद उन्होंने मिल में जाकर दस्तावेज देखे तो 7.50 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी। हेराफेरी का उन्होंने विरोध किया तो साझेदार उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोतवाली प्रभारी दीपक शुक्ला ने बताया कि चारों लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या माजरा हुआ है, क्या मैटर हुआ है जो आपने FIR दर्ज कराई है, किसी के खिलाफ क्या प्रकरण है बताएं? अक्टूबर 2017 में मैं बेहद बीमार हो गया, तो उस दौरान मैंने यहाँ इलाज कराया, हरदोई के डॉक्टरों से भी इलाज कराया, तो फायदा नहीं हुआ, तो मैं येरा मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया। तो लगभग 8 दिन में वहाँ पर एडमिट रहा हूँ। जब वहाँ से लौट करके मैं आया तो लगभग 2 महीने तक घर पे बेड रेस्ट किया। बेड रेस्ट करने के बाद जब मैं अपने राइस मिल पे गया, जिसमें हमारे भाई भतीजे भाभी पार्टनर हैं, तो वहाँ पर देखा तो वहाँ सारा स्टाक सब गायब कर दिया था, भाई साहब ने बेच लिया था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोल बोल बात करी, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। वो सारा स्टॉक व्यापारिक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टेट बैंक से CC बनी हुई थी 2 करोड़। आपको ये कैसे पता चला कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई है? जब आपने FIR दर्ज कराई, उससे पहले आपको पता चला मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तभी तो आपने FIR दर्ज कराई? तो वहाँ जब मील पे सारा स्टॉक गायब हो चुका तो मैंने भाई साहब से कहा कि सब स्टॉक कहाँ गया, तो उन्होंने बोल बोल बात करी, कुछ भी बताया नहीं। तो मैं फिर इधर उधर से मैंने सूत्र से जानकारी करी, GSTR के जो नक्शे निकलवाए उसमें मील की सेल 7.5 करोड़ रुपए की समथिंग 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की थी, लेकिन उसके अगेन कोई भी पैसा हमारी राइस मिल जो पार्टनरशिप में है श्री सीताराम राइस इंडस्ट्री, उसके खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। तो मैंने तमाम प्रयास किए, भाई साहब से बात करी, रिश्तेदारों से भी कहा कि इसको कैसे तैसे निपटवा दो, लेकिन कुछ भी वो मानने को तैयार नहीं थे। स्टेट बैंक के मैनेजर ने भी कहा कि आप इसका ब्याज का पैसा और ये सब जमा कराइए, अकाउंट आपका ख़राब हो रहा है। तो भाई साहब वहाँ पर बोल के चले जाते हैं कि आप इसको सब नीलाम कर दीजिए। जब मैं हर तरफ से हार गया तो मैं फिर शहर कोतवाली गया, वहाँ पर जाकर के मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, तो उसके तब ये FIR लिखी गई। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।